कुछ इस तरह। मुंबई शहर। मेरे बाबा कहा करते हैं कि हमारे गांव में हमेशा सुबह चिड़ियों की चहक सुनाई देती है। गांव में सुबह होते ही पंछी घर की छतों पर आकर बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ सुबह होते ही सारे पंछी उड़ जाते हैं। शायद उन्हें भी यहाँ के लोगों की तरह कहीं जाने की जल्दी है। क्या करें, आखिर ये शहर है ही ऐसा। यहाँ हर किसी को जल्दी लगी रहती है, कहीं जाने की जल्दी तो कहीं से आने की जल्दी। यहाँ केवल इंसानों को जल्दी नहीं है, बल्कि इंसानों के अलावा भी बहुत कोई है इस जल्दी की दौड़ में। कहीं रिश्ते तोड़ने की जल्दी, कहीं रिश्ते जोड़ने की जल्दी। ये है मुंबई, जिसको जम गई उसको जम गई, और जिसको नहीं जमी उसकी जिंदगी मानो थम गई। सुना है इस शहर में आदमी सड़क से उठकर कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन आजकल आदमी सड़क से उठता है तो सीधा अस्पताल पहुंचता है, गड्ढों की बदौलत। समझ नहीं आता कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों के बीच में सड़क। बाय द वे, आपको भी ये जानने की जल्दी होगी कि मैं कौन हूँ। तो मैं हूँ कन्या, कन्या गोडबोले। अपने बारे में क्या कहूँ, ऐसा कुछ खास है ही नहीं मुझमें। ना मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि लोग मुझे देखकर देखते रह जाएं। मैं कुसुम। ना ही इतनी बदसूरत कि लोग मुझे देखकर मुंह ही फेर लें। जैसी जैसी कोई नहीं। मुझमें कुछ भी अलग नहीं है। मेरी ना तो कोई जुड़वा बहन है, ना ही कोई जुड़ी हुई बहन। ना ही मैं इतनी काली या गोरी हूँ कि लोग मुझे टीवी पर देखने आए। मेरी ना सही, पर इस मुंबई शहर की एक बात बहुत स्पेशल है, और वो ये कि यहाँ की ए बी सी डी क्यू पर आकर खत्म हो जाती है। कहीं राशन की क्यू, कहीं बस स्टॉप की क्यू, फिल्म की टिकट की क्यू, यहाँ तक कि भगवान के दर्शन के लिए भी लाइन लगानी पड़ती है। ईश्वर अल्लाह जीसस वाहेगुरु, नाम भले ही सबके अलग हैं, पर काम सबका एक ही है, हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। क्यों ना करें, वो जानते हैं कि प्रॉब्लम्स होंगी तभी तो लोग उन्हें याद करेंगे। मुंबई में अगर कुछ आसान है तो वो है आसान किश्तें, EMI। बस में सफर करने वाले से लेकर कार में चलने वाले तक की जिंदगी यहाँ किश्तों में बटी होती है, जिसे लोग EMI कहते हैं, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। पर मैं इसे अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए मजबूरी में किया हुआ इकरार समझती हूँ। EMI एक मजबूरन इकरार, क्योंकि किश्त चुकाते चुकाते उनकी जिंदगी भी किश्तों में बच जाती है, और उनके सपने भी। मेरा भी एक सपना है ऐसे ही एक बड़े होटल में मैनेजर बनने का, और मेरे पापा तो कहते हैं कि एक दिन मैं किसी ऐसे ही बड़े होटल की ओनर बनूंगी। लेट्स सी, पहले मैनेजर तो बन जाऊं। वैसे मेरे पापा कहते हैं कि जिंदगी चाहे किश्तों में बट जाए, पर इस जिंदगी के सपने कभी किश्तों में नहीं बटने चाहिए। पता नहीं मेरे सपने किश्तों के मोहताज रहेंगे या फिर रोशनी की उस एक किरण की, जो पलक झपकते ही उन्हें साकार कर देंगे। पहली तारीख है, सबकी सैलरी आने का दिन और पापा के हिसाब करने का दिन। अब तक तो पापा मसाले वाली चाय के साथ महीने भर का हिसाब लेकर बैठ भी गए होंगे, और ये दूध वाले का 500। मैं तो भूल ही गया था, अच्छा हुआ तूने याद दिला दी। मम्मा दूध आप पतीले में डाल के गर्म करने लगे। टूथपेस्ट, दो टूथपेस्ट। मम्मी ये इस बार टूथपेस्ट दो क्यों आए हैं? और ये है पम्मी, हमारी मम्मी। आपकी बेटियों के लिए दहेज इकट्ठा कर रही हूँ, इसलिए हर महीने एक एक्स्ट्रा टूथपेस्ट मंगा लेती हूँ। वैसे तो पम्मी का असली नाम परमिंदर है, पर जब उन्होंने हमारे पापा श्री श्री अनंत गोडबोले से शादी की, तब से उनका नाम पम्मी हो गया। बहुत भूख
And you know what? Mummy is the sweetest mummy. सर पे ना खड़े रहो। बात नहीं कर सकते। अब पाल आगे लगता है। ये है मेरा छोटा भाई हरपाल। महाराष्ट्रीय पापा और पंजाबी मम्मा की पैदाइश है, इसलिए इसका नाम हरपाल गोडबोले रखा है। गुड मॉर्निंग हैरी। वेरी फनी बेटा, उसकी गुड मॉर्निंग। वैसे तो ये पायलट बनना चाहता है, पर घर की फाइनेंशियल सिचुएशन और पापा की प्रॉब्लम्स को देखते हुए इसने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया है और अभी नाइट शिफ्ट करके आ रहा है। मैंने अपना चेक ऑलरेडी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, सो डोंट वरी। मॉम, माय ब्रेकफास्ट कम डिनर प्लीज। थैंक यू बेटा। ओए काके, तू आ गया। मॉम, वेयर इज माय ब्रेकफास्ट? आई एम लेट। हैं मम्मा, नाश्ता भूख लग। आई नो इंग्लिश, तेरी मॉम लेट नहीं हुई है और ऑमलेट भी रेडी है। देख, मैं शांता ताई के हाथ भिजवाती हूँ, तू जा। Well, I'll just change in the meanwhile, yeah? ओ अंग्रेज दा पुत्तर। और ये शांता ताई है किथे? आई शपथ, वो दोनों लैला मजनू इधर ही बैठ के इश्क लड़ा रहे थे। सॉलिड गुटरगू, हाँ सॉलिड गुटरगू। लेकिन हमारे गाँव में ऐसा नहीं होता है। मुझे आया गुस्सा, मैं बोली ए रोमियो जूलियट। पर तू तो बोली कि वो लैला मजनू थे। ए चुप, तेरा सिर ना घिस गया है, तू जिंदगी भर बर्तन घिसते रहेगी, समझी ना पागल कहीं की। अरे अंग्रेजी में लैला मजनू को रोमियो जूलियट कहते हैं, समझे? हाँ। तो मैंने गुस्से से उनको बोला, ए तुमको शर्म नहीं आती का? जाना, तुमको इश्क लड़ाना है ना, जाओ अपने घर में और जो करना है वो करो। तो क्या बोला मालूम है? अगर मैं मेरे घर पे गया तो मेरी बीवी घासलेट डालकर जल जाएगी, इसके घर पे गया तो इसके पति को हार्ट अटैक आएगा। बोल 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 क्या, टोस्ट भी जल गया, कहाँ है आप? कपड़े सुखा रही हूँ मैं। पिछले दो घंटे से आप कपड़े सुखा रही हैं। साथ लेकर ही आ जाएगा, अब तो सूख भी गई हूँ। कपड़े नहीं, तेरा खून सूखता होगा। आती हूँ मैं। दिन भर कटकट कटकट कटकट। तो तू नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती फिर? नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती फिर? अरे नौकरी होगी तो छोड़ूंगी ना मैं। और तुमने कभी किसी को अपने घर को छोड़ते हुए देखा है? मम्मी मुझे हमेशा बोलती है, शांता भाई एकदम गाय है। आ गई भैंस। ओ जाओ, पहले टेबल पर नाश्ता लगा दो। ये नाश्ता बच्चों के लिए है, ये लगा दो, तुम्हारे लिए बनाकर रखा है। क्या बना है? टोस्ट। सुन, टोस्ट के ऊपर जैम और चीज लगाया? जी हाँ, भर भर के लगाया है। थैंक यू। मुझे यहाँ रहना है कि नहीं? अरे तू क्या छोड़ जाएगी? मैं हूँ ना। आनंद की क्या हिम्मत है तुझे घर? आपके सामने किसी की भी क्या हिम्मत हो सकती है? टेबल पर नाश्ता लगाइए, जान छोड़िए। हाँ मैं आ रही हूँ, पहले अर्थी निकलेगी। अरे अर्थी निकाल यार। वैसे तो पूजा एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्शन हाउस में क्रिएटिव हेड है, लेकिन पापा चाहते हैं कि वो मीडिया में काम ना करे। अर्थी? 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 हीरो की। मेरे सीरियल का हीरो मर गया ना। हे राम, मर कैसे गया? कल तक तो अच्छा खासा था। इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है, 10 एपिसोड बाद फिर से वापस आ जाएगा। मेरा चाचा कहाँ है? सॉरी, मैं तो समझ में आ रहा है जो किसी भी सड़े गले मरे भूखे इंसान को हीरो का चेहरा लगाकर वापस लेकर आ जाते हैं। मॉम प्लीज यार, जरा आस्ते बोलिए, मैं सीन समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, वैसे सीन समझाने की क्या जरूरत है, सारे सीरियल तो एक जैसे दिखते हैं। मॉम क्रीटी फैमिली, मैं क्या कह रही थी? हाँ, एक तरफ हमारा हीरो मरता है और दूसरी तरफ थक करके हमारी हीरोइन कोमा से बाहर निकलती है। शॉक रिएक्शन, और मुझे फुल ट्रीटमेंट चाहिए, स्विच पैन राउंड ट्रॉली सब कुछ। हाँ बालाजी स्टाइल में ठड़ांग ठड़ांग ठड़ांग। और फिर हीरोइन को बोलना कि जोर जोर से रोए, जितना ज्यादा वो रोएगी उतने ज्यादा हमारी टीआरपी बढ़ेगी। हाँ धाड़े मार के। ओ और हमारे मेकअप डिपार्टमेंट को कहना कि उसका मेकअप बिल्कुल चकाचक होना चाहिए, और कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट को समझा देना कि सारी की सारी गोल्ड ज्वेलरी उसको पहना दे। हाँ बिल्कुल सोने से लदी होगी हमारी हीरोइन। क्या? हाँ मुझे पता है वो कोमा से बाहर आ रही। तो हेलो, ये तुम्हारा पहला सीरियल है क्या? तुम्हें नहीं पता कि सीरियल की हीरोइन हमेशा चकाचक लगती है, चाहे कोई जिए मरे, दिवाली मनाई जाए या माता मनाई जाए या कोई कोमा से बाहर आए, हीरोइन ऑलवेज चकाचक। इट्स अ गोल्डन रूल, प्लीज रिपीट आफ्टर मी, हीरोइन ऑलवेज चकाचक। वेरी गुड। अच्छा सुन, इस पूरे सीन के दौरान मुझे एक बहुत ही ड्रामेटिक सा आलाप चाहिए।
तो ये है हमारी फैमिली। तू नहीं यार, मेरा भाई इडियट है। पूजा, अगर तुम्हारी ये फिजूल की बातें खत्म हो गई हो तो थोड़ी सी काम की बात कर ले। मैं तुमसे बाद में फोन करती हूँ। डोंट वरी पापा, मैं भूली नहीं। पापा, मेरी सैलरी का कॉन्ट्रीब्यूशन इस महीने तो ले लीजिए। इसकी जरूरत नहीं है मुझे। मेरे कहने का मतलब था कि पहले तुम नाश्ता कर लो। हम चाहे लंच और डिनर साथ करें या नहीं, इस घर में ब्रेकफास्ट सब साथ में ही लेते हैं। शांता ताई, आज ब्रेकफास्ट के बाद सबका मुंह मीठा जरूर कराना। क्यों, कोई खास बात है? हाँ मामा, एक नहीं दो दो खास बात है। पहला, आज मेरा एक बड़े होटल में इंटरव्यू। अरे वाह। और दूसरी, आज पापा के 35 साल पूरे होने की खुशी में इनके ऑफिस वाले इन्हें सम्मान और प्रमोशन देने वाले हैं। राइट पापा? एब्सोल्युटली राइट। आपने तो बताया ही नहीं। अच्छा तुम लोग ये बताओ कि मेरे उस फंक्शन में कौन कौन आने वाला है। बाबा मेरी तो आज शूटिंग है, लेकिन अगर टाइम पर पैकअप हो गया ना तो मैं जरूर आऊंगी। और मेरी तो छज्जू जी के साथ मीटिंग है, शादी प्लान करनी है ना। कोई नहीं, मैं ना मीटिंग के बाद सीधा आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगी। छज्जू के बेटे की गए महीने शादी हुई ना, इस बार वो खुद अपनी कर रहे हैं। पापा मैं भी अपने इंटरव्यू के बाद आपके ऑफिस जरूर पहुंच जाऊंगी। वैसे डैड आपके इस फेलिसिटेशन में होगा क्या? बेटा कन्या ने बताया है ना, प्रमोशन मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ये भी हो सकता है कि मैं जनरल मैनेजर बन जाऊं। ओहो हो, लोग कहेंगे कि सिर्फ टॉप हो, इंडिया की इकलौती होप हो। आज आपको प्रमोशन मिलने वाला है तो मैं राजेश खन्ना सूट बूते टाइप पाके जाएगा आपको। तो दैट रेड टाई, हां ऐसा मत बोलो, ये टाई तुम्हारे डैडी ने रिसेप्शन पे पहनी थी। ओ बड़े हैंडसम लग रहे थे। पापा ऐसे क्या देख रहे हो? बेटा आज मुझे तुम्हारे चेहरे में अपना गुजरा हुआ कल नजर आ रहा है। मालूम है आज से 35 साल पहले जब मैं अपनी पहली नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था तब इसी तरह घबराया हुआ था, और उस समय मेरे पिताजी ने मुझसे जो कहा था आज वही बात मैं तुमसे कह रहा हूँ। बेटा सपने बेशक हमारी आंखें देखती हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए सही नजरिए की जरूरत होती है, और सही नजरिया कहता है कि आदमी को उस असफलता पर दुखी होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है जिसके पीछे एक सफल कोशिश रही। बेटा याद रखना, पानी की बूंद को बारिश बनने के लिए एक बार तो बरसना ही पड़ता है। Go with a positive thinking and you will get the job. मुझे आज 35 साल के बाद अपना प्रमोशन मिलेगा, लेकिन मेरी बेटी को उसकी पहली ही कोशिश में जॉब। तो इनका पूरा परिवार सेटल होने जा रहा है। मैंने जो कुछ भी किया है जिंदगी में अपने परिवार की सपोर्ट से किया है, उनके लिए किया है। मिडिल क्लास आदमी को आप बताइए क्या चाहिए जिंदगी में, यही कि उसके बच्चे सेटल हो जाएं, उनके सपने पूरे हो जाएं। अपनी भी बड़ी बेटी की शादी हो गई है, छोटी पूजा मीडिया में काम कर रही है। हालांकि उसका काम मुझे पसंद नहीं है, पर बेटा हरपाल कॉल सेंटर में लगा हुआ है, और मेरी सबसे छोटी सबसे लाडली बेटी कन्या, देखना वो ज़रूर मेरा नाम रोशन करेगी। उसने होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली है, मैनेजर बनना चाहती है। आज वो अपनी पहले इंटरव्यू के लिए गई हुई है। देखना वो मैनेजर बन के लौटेगी। मिस्टर गुप्ता के अरेंजमेंट्स हो गए? गुड। मैम आपको मैनेजर मैडम ने अंदर बुलाया है।
इम्प्रेस्ड विद योर डिग्रीज। तुम हमारे ही होटल में क्यों काम करना चाहती हो? क्योंकि ये सबसे अच्छा होटल है मैम, इट्स द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मगर मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि तुम हमारे होटल में मैनेजर नहीं बन सकती। पर क्यों मैम, मेरी डिग्रीज तो बहुत अच्छी हैं। मगर आधे घंटे पहले ही ये जॉब किसी और को मिल चुकी है। तुम्हारा प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती थी। और मैं इस उम्मीद से आई थी कि एनीवेज, थैंक यू सो मच मैम। वैसे एक और वैकेंसी है, मुझे पता है तुम वो नहीं करोगी। कौन सी मैम? हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में एक मेड की जगह खाली है। विल यू डू इट? नो मैम, थैंक यू सो मच। कन्या, एक बात कहना चाहती हूँ। 7 साल पहले मैंने भी इसी होटल में अपनी शुरुआत हाउसकीपिंग मेड के तौर से की थी, और आज देखो, आज मैं इसी होटल में एचआर हेड हूँ। मुझे खुशी होगी अगर तुम इस जॉब के लिए मना ना करो। नहीं मैम, मैं ये जॉब नहीं कर सकती। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी जनरेशन की, तुम्हें छोटा काम करने में शर्म आती है। तुम्हें सब कुछ रातों रात चाहिए। नहीं मैम, मुझे रातों रात बड़ा बनने का कोई शौक नहीं है, पर मैं अपनी उम्मीदों को छोटा नहीं कर सकती जो सालों साल मेरे बाबा ने मुझसे लगाई हैं। मेरे बाबा हमेशा कहते हैं, हमारी जिंदगी के दो सहारे होते हैं, एक उम्मीद और दूसरा सपना। हर सपने में ये उम्मीद होनी चाहिए कि हमारा सपना जरूर साकार होगा। पर मैम, अगर हम उम्मीद ही नहीं रखेंगे और सपना ही ना देखेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। और मैम, मुझे ये काम करने में बिल्कुल एतराज नहीं है, पर इससे मेरे पापा का सपना टूट जाएगा। और मैम, पानी की इस बूंद को बारिश बनने के लिए एक बार तो बरसना पड़ता है। मौसम बदल रहा है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी कंपनी ने अगर नए लोगों के जोश को मौका दिया है तो पुराने लोगों के तजुर्बे का साथ भी नहीं छोड़ा है। थैंक यू वेरी मच। आज तो मुझे लगता है आपका प्रमोशन एकदम पक्का है। प्रमोशन मिलने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे? देखिए, एक तो बहुत दिन से सोच रहा था, बच्चे बड़े हो गए हैं, एक बड़ा घर ले लो तो अच्छा रहेगा। दूसरे, पम्मी अपना वेडिंग प्लानिंग का काम घर से चलाती है, तो उसके लिए अगर एक ऑफिस ले सकूं तो और अच्छी बात है। कहाँ रह गए ये लोग? मेरा फोन बज रहा है। हेलो मम्मी, हैं कहाँ हो तुम लोग? अरे बेड़ा गर्क को, इस मुंबई का कितना ट्रैफिक जाम है, और ये जो ऑटो वाला है ना, ऐसा चला रहा है जैसे बरात की घोड़ी। 2 घंटे में गांधी चौक पहुंची हूँ। अरे फिर तो तुम्हें यहाँ पहुँचने में 4 घंटे लगेंगे। हैं? मैं कह रहा हूँ तुम्हें यहाँ पहुँचने में 4 घंटे लगेंगे, और तब तक फंक्शन खत्म हो चुका होगा। हाँ जी। अच्छा तुम एक काम करो, तुम ऐसे करो कि अभी घर लौट जाओ, वहीं मिलते हैं। जैसे कि हमारे सीनियर अनंत साहब ने कहा कि दिन ब दिन जमाना बदलता जा रहा है, और बदलते जमाने के साथ साथ दिन ब दिन कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, और इसी कंपटीशन में टिके रहने के लिए हमारी कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि कंपनी की बागडोर अब नए लोग संभालेंगे। इसलिए 55 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी एम्प्लॉइज को पूरे सम्मान के साथ
वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया जा रहा है। वो भी पूरी पेंशन के साथ। इन्होंने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब ये अपना कीमती वक्त अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं। मामा पापा आ जाएंगे। प्रमोशन के साथ गाड़ी भी मिल गई है, लेकिन गाड़ी से उतरते हुए बिल्कुल रचेश खन्ना लग रहे हैं। मैं कल से इसी गाड़ी में शूटिंग पे जाऊंगी। हीरोइन के पास भी इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है। शिकायत सुप्राइज। बाकी सारे दिन तू रखना, गणपति के 3 दिन मुझे देना। अरे डन शांतु डन, ये सब बातें बाद में भी होती रहेंगी, वो अंदर आते होंगे। चलो एक्शन में आ जाओ सारे। अरे लाइट ऑफ कर यार। हमारी कंपनी की मैनेजमेंट ने बचपन के साथ ज्यादा उम्र वाले सभी एम्प्लॉइज को नए लोग पूरे सम्मान के साथ वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया जा रहा है। प्रमोशन के साथ क्या क्या मिला? अरे गाड़ी नहीं देखी तूने? नवा फ्लैट भी मिला है। पहले तुम सब लोग अपने अपने गिफ्ट ले लो, फिर बताता हूँ। अच्छा। सॉरी बेटा, तेरे लिए मुझे कुछ चाहिए नहीं। पापा मुझे तो कुछ चाहिए भी नहीं, मेरे लिए तो सबसे बड़ा गिफ्ट आप हो। ओ कम ऑन डार, अभी तो बताओ क्या क्या मिला आपको कंपनी से? बताइए ना। बताना हमें क्या क्या मिला। कंपनी वालों ने मुझे अपने परिवार के लिए तोहफे लाने का यह आखिरी मौका दिया है। मतलब तुझे मैं राजेश खन्ना लगता हूँ ना? बिल्कुल। लेकिन कंपनी वाले मुझे एके हंगर समझते हैं। ये VRS दिया है आज उन्होंने तोहफे में। नौकरी से छुट्टी, अरमान खत्म, आराम शुरू। दुखी क्यों हो रहे हो? ऑफिस नहीं रहा तो क्या हुआ? कितना कुछ है करने के लिए। आप वॉक पे जाइए, किताबें पढ़िए, आप लाफ्टर क्लब ज्वाइन कीजिए पापा,
आपने दूसरों के लिए बहुत जी लिया, अब आप अपने लिए जियोगे पापा, अपने लिए। अपने लिए आदमी जीने का मजा तभी ले सकता है जब उसकी अपनों से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हो। किंतु मेरी तो अदिति की शादी के लिए जो कर्जा लिया था कहां से चुकाऊंगा मैं? उसकी किस्तें तो मेरी सैलरी से ही जाती थी ना। सोचता था कि अब तुम लोगों के लिए बड़ा सा घर ले लूंगा, तुम सबकी शादी बहुत धूमधाम से करूंगा, लेकिन मैं नाकामयाब हो गया बेटा। नहीं पापा, आप अपने आप को नाकामयाब इसलिए कह रहे हो कि आप हमें ऊंची छत ना दे सके, पर उन संस्कारों का क्या पापा जिन्होंने हमें सिर ऊंचा रखकर चलना सिखाया। आप इसलिए नाकामयाब कह रहे हो कि आप अब एक एक पैसा नहीं जोड़ पाओगे। पापा उन पलों का क्या जो आप अब हमारे साथ बिताएंगे। 35 साल तक पापा आपने सुबह से शाम तक एक ही काम किया, पता है आपको जिन्हें हम देवी देवता मानते हैं ना, उनमें भी शायद ही कोई होगा जिन्होंने इतने साल तपस्या की होगी। हर एक मिडिल क्लास तपस्या करता है पापा, कोई वरदान या ताकत पाने के लिए नहीं, सिर्फ जीने के लिए पापा, जस्ट फॉर सर्वाइवल। पापा सर्वाइवल ही तो हमारी कामयाबी है। सपने टूट भी गए तो क्या हुआ, है तो अभी हमारी आंखों में ना। ठीक कह रही जी आपकी कुड़ी, आप ऐसा क्यों कह रहे कि अब आप हमें कोई गिफ्ट नहीं दे सकते। अब आपका वक्त ही तो हमारे लिए गिफ्ट है ना जी। अब आप ही बताओ शांतताई, कितने साल हो गए हम कभी साथ साथ वॉक पर नहीं गए, जो पार्टी पे जाकर पानी पूरी नहीं खाई। अब आपकी हर शाम मेरे लिए गिफ्ट होगी। आनंद कल से तू रोज मुझे 2 घंटे अंग्रेजी सिखाएगा, वो तेरे लिए सजा होगी, लेकिन मेरा बड़ा गिफ्ट होगा। शांतताई तुम्हीं पापा हर शाम आप मेरे लिए मेरा सीरियल देखेंगे और मेरा काम देखकर मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, यही मेरा गिफ्ट होगा। और डैड जब मैं शाम को कॉल सेंटर जाने के लिए निकलूं तो मेरे साथ बैठ के मसाले वाली चाय पीना मेरी गिफ्ट होगी। बस अब बहुत हो गया, अब आप मुस्कुरा दो तो फिर मैं आपका फेवरेट डायलॉग बोल दूंगी, पुष्पा आई हेट टीयर्स पुष्पा। पापा मैं अब आपकी फेवरेट चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? कन्या गोडबोले, आपके होटल में आई थी ना इंटरव्यू के लिए, और आपने कहा था वो मेड वाली जॉब, मैम क्या वो जॉब अब भी है? एक सपना देखा था मैंने, बस अब उस सपने को पीछे छोड़कर जा रहे हैं। अरे कन्या जी 702 में फ्लावर चेंज कर देना। ओके सर। पापा हमेशा कहते हैं पानी की एक बूंद को बारिश बनने के लिए एक बार बरसना पड़ता है, लेकिन उसी बारिश को मौसम बनने के लिए बार बार बरसना पड़ता है। शायद नाकामयाबी की यही सीढ़ियां चढ़कर मैं एक दिन कामयाबी की छत तक पहुंचूंगी।
जिसमें मेरे सपने पूरे होंगे। वो मौसम जरूर आएगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.